दरोगा साहब, रिपोर्ट लिखवानी है। किस चीज की रिपोर्ट लिखवानी है? चोरी की। क्या चोरी हुआ है? दरोगा साहब, मेरी नींद और मेरा चैन चोरी हो गया है। ए मजनू की औलाद, दो लप्पड़ पड़ेगा, सारी आशिकी बाहर आ जाएगी, पुलिस वाले का टाइम खराब करता है। अरे दरोगा साहब, आप समझे नहीं, मेरी गले की चैन चोरी हो गई है, जिसकी वजह से मेरी रात की नींद उड़ी हुई है। अरे भाई फूल गोभी, का हाल चाल है तुहार, और कहाँ चल दिए पैदल पैदल इतनी रात को? अरे कहाँ बताई भैया, हाल चाल बहुत खराब है आजकल। लोग मार्केट में 10 रुपए किलो भी नहीं पूछा था हमके, ऊपर से हमके अभी परिवार भी अपन चलावे के हवे। अरे कहाँ बताई भैया, बहुत परेशानी हवे। ये हाल चाल हवे भैया हमार, बस तू अपन सुना बाब। ना भैया, हम अपन हाल चाल ना सुनाई। देखा भैया, हमार हाल चाल पूछ के अपन ना सुनाई, बता अम्मा बहन पे आ जाए तुहार हम। अरे भैया, अरे भैया मजाक कर थी हम, सुनाओ थे भैया, सुनाओ थे। रुका, देखा भैया हमार हाल चाल कुछ ए तरह बाकी। हाँ सुनावा। देखा भैया, कल रात 11 बजे हमारे मालिक हमके अमीर लोगन के गली के तरफ से घर ले जाते रहे। सब लोगन के दरवाजा खिड़की लाइट सब कुछ बंद रहे। फिर कहा हुआ भैया? फिर हमारा मालिक के जैसे डर लगत रहे, वो एक बार बोले भैया प्याज ले लो 10 रुपए किलो। फिर हमारा मालिक के पास सब लोग झोरा बोरा ले के पहुँच गयी। भैया तू तो 60 रुपए किलो ना बिकत हवा। अरे हाँ भैया, फिर हमारे मालिक हमके वहाँ से लेके भाग गयीलन। फिर मोहल्ला के लोग रात भर लड़ल, बाकी भैया प्याज हमके दे दा, 1 किलो हमके दे दा, 1 किलो पर कोई के मिलल ना। भैया ऐसे लगा ला हमारा मीरी के अंदाजा। आलू भाई, तुम मिट्टी के नीचे से निकलते हो और मटमैले कलर के ही क्यों रहते हो? तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि जब तुम्हारा नाम आलू का चालू बेटा है तो तुम गोरा क्यों नहीं हो जाते? देख प्याज, मुझे सब बोल लेना, लेकिन चालू मत बोलना। चालू तो तुम हो, जो कभी सफेद तो कभी लाल रंग के निकलते हो। इतना ही नहीं, कभी मीठे तो कभी तीखे लगते हो, जिससे लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। भाभी जी, आप अपने कॉलेज के टाइम में किसी लड़के से प्यार करते थे? नहीं तो। अरे बता ना, थोड़ी ना भैया को बोलेंगे। वैसे तो एक लड़का था जिसे हमें जान से ज्यादा प्यार करते थे। खैर छोड़ो भाभी जी, फिलहाल मुझे 2000 रुपए की जरूरत थी, फिलहाल दे दो वरना भैया को बता दूंगी।